कालू कौवा बहुत देर से तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बार बार जाल फेंकता, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। हे भगवान, पता नहीं क्या बुरे दिन लिखे हैं, क्यों नहीं मेरे जाल में मछलियां फंस रही हैं? क्या करूं, समझ में नहीं आता, घर में पैसे की बहुत जरूरत है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कालू के जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। थक हार कर कालू जाल लेकर वापस घर पहुंचता है। अजी, ये क्या है, आज तो कुछ भी नहीं लेके आए हो। अरे क्या करूं मोहिनी, परेशान हो गया हूँ, एक भी मछली नहीं फंस रही है। ऐसे कब तक चलेगा, सुन लो, मैं मायके चली जाऊंगी। तुम्हारे घर में अगर मुझे खाने को भी ना मिलेगा तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। अरे ऐसे मत बोलो मोहिनी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, कल मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है देख लो। कालू अगले दिन सुबह मछली पकड़ने की जाल लेकर नदी के पास पहुंच गया और नदी में जैसे ही जाल डालने वाला था कि उसे अपनी फटी हुई जाल दिखाई देती है। अरे ये लो, एक तो कोढ़ ऊपर से खाज, बताओ अब तो ये जाल भी फट गई है, मेरे जाल में कौन सी मछली आएगी। मुझे जल्दी जाना होगा और टीकू की दुकान से जाल लेना होगा। कालू कौवा टीकू की दुकान पे पहुंचता है। अरे टीकू भाई, एक जाल दे दो। अरे कालू कल मुहे आ गया तू, पिछले बार का उधार बाकी है, कहाँ मुँह छिपाता फिर रहा था। हाँ वो तो गनीमत मना, मैंने अभी तक चील को नहीं भेजा है। क्यों चील? हाँ मालिक, ये कल मुहा मुझे देखकर छिप जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ मछली पकड़ने की, लेकिन टीकू भाई मेरे जाल में मछलियाँ आती ही नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। एक बार मोहलत दे दो, मुझे नई जाल दे दो, मैं जरूर तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। मैंने इतनी बार तुमसे पैसे लिए, हर बार चुकाया ना, इसी समय थोड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। देख भाई, गंदा है पर धंधा है, मैं बिना पैसे या बिना कुछ लिए नहीं रखूंगा और ना ही मैं तुझे जाल दूंगा। जा, तेरी बीवी के पास गहने तो होंगे ही, जाके गहने ले आ। अरे टीकू भाई ऐसा मत करो, मैं उससे गहने मांगने जाऊंगा, वो तो पहले से ही मुझसे जली भुनी बैठी है, और भी ज्यादा भड़क जाएगी, मायके चली जाएगी। अच्छा तो ये बात भी है, मतलब आग बराबर लगी है। अरे तू तो घर भी संभाल नहीं पा रहा है। मालिक दे दो बेचारे को जाल। अरे जाल तो दे दूं, लेकिन चल जाल दे दूंगा, लेकिन तेरा घर ले लूंगा अगर तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो। अच्छा मैं चुका दूंगा, आज तो मैं हर हाल में मछली पकड़ कर ही रहूंगा, आप मुझे जाल दे दो। टीकू जाल देता है, तभी चील कालू कौवे से कहता है। अरे कालू, तू अपनी बीवी को मायके क्यों नहीं भेज देता है, कम से कम खाना तो बचेगा ना। अरे चील भैया, अपनी सलाह अपने पास रखो, मैंने पैसे लिए हैं, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, बस जाओ, मुफ्त की सलाह कोई नहीं मानता है। मालिक जब तेरे घर को हड़पेंगे तब तुझे समझ में आएगा। कालू कौवा जाल लेकर नदी पार पहुंचता है और जाल डालता है, लेकिन इस बार उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां आती हैं। बाकी सारे मछुआरे पंछी अच्छा खासा मछली लेकर निकल जाते हैं। अरे मेरी फूटी किस्मत, इन छोटी छोटी मछलियों को कौन खरीदेगा, चलता हूँ बाजार में देखता हूँ, शायद कोई खरीद ले। ये सोचकर कालू कौवा अपनी छोटी छोटी मछलियों को लेकर बाजार पहुँचता है।
बाजार में बाकी सारे मछुआरे पंछी बड़े बड़ी मछलियों के साथ थे। उनकी मछलियाँ तो बिक गई। कालू आवाज लगाता है, अरे कोई छोटी छोटी ताजी मछलियों को ले लो, इसमें विटामिन ज्यादा है, ले लो। लेकिन कोई भी नहीं खरीदता है। बाजार में सबकी मछलियाँ बिक जाती है। सारे मछुआरे पंछी वहाँ से चले जाते हैं। अकेला कालू ही बच जाता है। तभी वहाँ एक बाज आता है, अरे मछलियाँ तो छोटी छोटी हैं, बेचोगे क्या? हाँ हाँ, मैं तो बेचने के लिए ही हूँ, आप 200 में सारी मछलियाँ ले लो। हाँ, 200 कौन देगा इन छोटी छोटी मछलियों को। बाज समझ जाता है कि कालू को जल्दी है मछलियाँ बेचने की। 100 रुपए दूंगा, इसमें सारी मछलियाँ देनी है तो दो, वरना मैं चला सब्जी खरीदने। अरे नहीं नहीं, आप ले लो ये सारी मछलियाँ। 100 रुपए में कालू सारी मछलियाँ बेच देता है। फिर कालू आगे बढ़ता है और सोचता है, आज कुछ खाने पीने की चीज ले लेता हूँ, जो पैसे हैं उससे ही मोहिनी खुश हो जाएगी। कालू जब आगे बढ़ता है तो थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे कोई इस बूढ़ी बाज को खाना खिला दो, मैं उड़ भी नहीं पाती हूँ। कई सारे पंछी आसपास थे, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी बाज को कुछ भी खाने को नहीं दे रहा था। कालू कौवा को दया आ जाती है और वो कुछ केले खरीद कर उसे देता है, ये लो आप ये केले खा लो। अरे तुम तो बड़े दयालु मालूम पड़ते हो, तुम लेकिन क्या करने जा रहे हो? मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिनों से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं मछलियाँ पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा घर बार दाव पे लगा हुआ है। अच्छा ये लो, मैं चावल की एक छोटी पोटली तुम्हें दे रही हूँ, इसके दो दाने नदी को प्रणाम करके नदी में डाल देना, फिर तुम अपनी जाल डालना, तुम्हें जो मिलेगा वो बेहद बेसकीमती होगा। जाओ, जब तक तुम्हारे पास इस पोटली में चावल के दाने हैं, तब तक तुम बिल्कुल गरीब नहीं होगे, तुम्हें हमेशा फल मिलेगा। कालू कौवा उस चावल की पोटली को लेकर घर आ जाता है और मोहिनी के लिए थोड़ी मिठाइयाँ बचे हुए पैसे से लेता आता है। ये लो मोहिनी, मिठाई खाओ। अजी, मिठाई खाने से क्या होगा, धंधा तो चल नहीं रहा है, एक दिन मिठाई खा के क्या कर लूंगी? हाँ, रोज रोज की बात है, मेरे लिए 1 महीने के अंदर सब कुछ ठीक करो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी, जान लो। अरे यार, ये तो बार बार मायके का ही जिद लगा कर बैठी हुई है, कल जाता हूँ और उस बूढ़ी चील के द्वारा दिए गए दाने का इस्तेमाल करता हूँ। कालू कौवा जाल लेकर पहुँचता है नदी के पास, और भी सारे मछुआरे पंछी पहुँचते हैं। अरे आ गया कालू, मछली पकड़ेगा तू, तेरे तो नसीब ही फूटे पड़े हैं। अरे हाँ, मीनू नाम है मेरा, मीनू, देख ले रोज मैं कितनी मछलियाँ ले जाती हूँ, और तू नास पीटे करम जले, तू ऐसा है कि तुझे या तो मछलियाँ मिलती नहीं है या फिर छोटी छोटी मिलती है। अरे मौसी, इतनी बदतमीज क्यों बन रही हो, आज मुझे अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। कालू दो दाने पानी में डालता है और फिर अपनी जाल डालता है, लेकिन नदी के पानी में उफान आने लगता है, बाकी पंछी डर जाते हैं। अरे ये तो बाढ़ आ रहा है, भागो भागो। अरे मैं भी चलूं। सारे पंछी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कालू नहीं भागता है। कालू थोड़ी देर में देखता है बाढ़ का पानी शांत हो गया, नदी बिल्कुल शांत हो गया। जब कालू जाल को खींचता है तो उसमें एक बड़ी मछली फंसी हुई दिखती है। उस सुनहरी मछली को कालू घर ले आता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मछली है, आप इसे घर क्यों ले आए? इसे तो बाजार ले जाना था, इसे बाजार में बेचना था, अच्छे पैसे मिलते। अरे उस बूढ़ी चील ने कहा था, इस मछली के आने के बाद हमारी किस्मत बदल जाएगी,
इस मछली में जरूर कुछ खास होगा। अजी किस्मत क्या बदलेगी, इसे ले जाकर बाजार में बेच दो, अच्छा खासा रकम मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं ठहरो, ये कह के कालू उस मछली को काटता है तो देखता है उसके अंदर एक सोने का सिक्का है। ये देखो, देखा बूढ़ी चील ने बिल्कुल सही कहा था, अब मैं इस सोने के सिक्के को भी बेचूंगा और इस मछली को भी, डबल कमाई होगी। कालू कौवा जाता है, सोने के सिक्के को सुनार को बेच देता है और मछली को बाजार में। अब बराबर ऐसा ही होने लगता है और जल्द ही कालू कौवा टीकू का कर्जा भी उतार देता है, बड़े से घर में आराम से रहने लगता है।